रामगढ़ के गोला गोलीकांड में आज कोर्ट का अहम फैसला आया है। हजारीबाग कोर्ट ने ममता देवी जो रामगढ़ की विधायक हैं उन्हें दोषी करार दिया है। 2016 में यह घटना घटी थी जहां एक जुलूस का ये नेतृत्व कर रही थी, उस मामले को लेकर आज सुनवाई चल रही थी। इसी मामले पर आज कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। आने वाले 12 दिसंबर को कोर्ट सजा के बिंदु पर अपना फैसला देगी। तब तक उन्हें अब हिरासत में ले लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ममता देवी के साथ लगभग 12 अन्य लोग हैं जो उन्हें आज से जेल में रहना पड़ेगा। सजा के बिंदु में माननीय न्यायालय के द्वारा 12 तारीख को क्या कहते हैं डेट को फिक्स किया गया है कि उस दिन कन्विक्शन के पॉइंट में। आखिर ये क्या है, क्या था गोला गोलीकांड है क्या आखिर, और काफ़ी अधिक चर्चा भी रहा है पूरे राज्य में, है पूरा वो जी मैं बताते चलूँ कि आपको वही वीडियो हैं जिनका हम तरफ से हम यहाँ पे पैरवी कर रहे थे। इस केस में हम इन्फॉर्मेंट के ही लॉयर थे और उस केस में उनका बाएं आंख जो इन लोग का जो मॉब लेके जो गए थे उस IPL फैक्ट्री में और जहाँ पे क्या कहते हैं पथराव किया गया था जिसमें वीडियो का एक बाएं आंख परमानेंटली खराब हो गया है। तो उसमें क्या ममता देवी भी थी? ममता देवी का सभी ऑलमोस्ट सभी गांवों ने ममता देवी को बोला कि उस भीड़ का नेतृत्व ममता देवी और राजीव जायसवाल मिलकर कर रहे थे अलॉन्ग विथ और भी लोग थे जिनका नाम बोला गया। आज 13 लोगों को कुल दोषी करार दिया गया है और उन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया। बहरहाल आने वाले दिनों में सजा के बिंदु पर भी फैसला होगा। गौरव प्रकाश, लगातार हजारीबाग।